बेशुमार हैं कि इन तहाइफ को ना सिर्फ इनकी वैल्यू कम लगवाई गई बल्कि इनकी वैल्यू कम लगवाकर अब एक घड़ी है जो खाना काबा के डायल वाली घड़ी है वो बाजार से खरीदी नहीं जा सकती, उसकी कीमत लोकल सतह पे कोई घड़ी की दुकान नहीं लगा सकती क्योंकि वो कस्टम मेड घड़ी है, वो खसूसी तौर पे तैयार करदा घड़ी है और वो एक ही पीस है दुनिया के अंदर, वो नायाब है। जब ऐसी नायाब चीज जो मार्केट में दस्तयाब नहीं है और उसमें हीरे जवाहरात लगे हैं तो फिर जो हीरे जवाहरात के माहिर हैं वो उसकी कीमत लगाते और वो 90 करोड़ से 1 अरब के दरमियान उसकी कीमत लगती है क्योंकि उसके अंदर जो सोना लगा है, हीरे जवाहरात लगे हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू है। अब बहुत सारे तोशाखाना के तहाइफ ऐसे हैं जिनकी कीमत लोकल सतह पे 10 करोड़ लगवाई गई और उसका 50% 5 करोड़ सरकारी खजाने में जमा कराया गया और फिर उस घड़ी को वसूल करके ब्लैक मार्केट के अंदर 80-90 करोड़ का बेचा गया और मुनाफा कमा के खा गए। अब ये इमरान अहमद न्याजी साहब और बुशरा मानिका साहिबा एक गैंग चला रहे थे घर पर और बकायदा वो जो ऑडियो आपने सुनी जिसमें वो मुलाजिम को डांट रही हैं कि ये तहाइफ को किसने तस्वीरें खींच ली, किसने देख लिया, इनको हवा नहीं लगनी चाहिए थी, तो ये बकायदा एक व्यापार हो रहा था। यानी नाम रियासत मदीना का है और करतूत ऐसे हैं कि चोरी चकारी और डकैती में आप मुलव्वस हैं और ये जो आज 14-14 साल की सजा सुनाई गई है ये ग्राफ एक कंपनी है बरतानिया की जो कस्टम मेड खसूसी तौर पर तैयार करदा डायमंड्स के सेट बनाती है। ये जो ग्राफ का सेट था इसमें नायाब किस्म के येलो डायमंड इस्तेमाल हुए और सिर्फ एक जो छोटा डायमंड है 3 कैरेट का उसकी कीमत 9,75,000 डॉलर है और उसमें एक ब्रेसलेट है, एक घड़ी है, 2 इयररिंग्स हैं, एक नेकलेस है, वो सारे येलो डायमंड से बना हुआ ये ग्राफ का सेट है जिस पे आज सजा सुनाई गई है और वो ग्राफ का सेट उसका तखमीना लगाया गया है 3 अरब रुपए पे। इसीलिए जो आज सजा सुनाई गई है 78 करोड़ रुपया इमरान खान साहब के जिम्मे है और 78 करोड़ रुपया बुशरा मानिका साहिबा के जिम्मे है। गजब खुदा का कि आप दूसरों को चोर डाकू कहें, लोगों को रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का दर्श दें और अपने करतूत ऐसे हों कि आप कोई दिया गया तोहफा ना छोड़ें। बनता तो यह था कि ये तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा करा दिए जाते और कहानी खत्म हो जाती, या अगर आपने उनको एज अ सुविनियर रखना था, एक यादगार के तौर पे रखना था कि आप लोगों को बता सकें कि जी फलां मुल्क का सदर आया था, वजीर आजम आया था, वली अहद आया था, बादशाह आया था, उसने ये गिफ्ट दिया है, एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, इमोशनल वैल्यू होती चीजों की। मगर आपने क्या किया, आपने चोरी चकारी डकैती की इंतहा कर दी कि आप उसकी कीमत लगवाई अपने ही दफ्तर के जरिए 2 करोड़ों में, 50% उसका सरकारी खजाने में जमा करवाया और खुद आप 3 अरब रुपया खा गए। अब बात यह है कि यह तो सरकार की मलकियत थी, यह तो पैसा हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, यह तो पाकिस्तानी अवाम का पैसा था, टैक्स देने वालों का पैसा था। आपने तो खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी को नहीं बख्शा, उसको भी बेच दिया और एक इस्लामाबाद में दुकान है जो घड़ियों की मरम्मत करती है, छोटी सी दुकान है, आपने उससे जाली रसीद बनवाई। हमें कहते थे रसीदा कटो और अपनी रसीदें इतनी जाली निकली हैं कि आप एक जालसाज, एक फ्रॉड, एक मकार और करप्ट शख्स के तौर पे सामने आए हैं और ये मामूल बन गया था कि कई 100 तोहफे वसूल हुए 2018 से 2022 इमरान खान साहब को और हर तोहफे को हिरस लालच के साथ बुशरा मानिका साहिबा वसूल करती थी और उसके बाद
उनकी एक टीम थी जो इनको ब्लैक मार्केट में बिकवाती थी, कोई घड़ी दुबई में बेच दी, कोई किसी और मुल्क में बेच दी। और फरा गोगी साहिबा जो आज तक मफरूर हैं वो इसमें कलीदी किरदार अदा करती थी। तो मैं ये समझता हूं कि आपने ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान का नुकसान किया, आपने वजारत उज़्मा के ओहदे को बेतौकीर किया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का एक लेवल है कि जहां पे तोशाखाना के तहाइफ शहबाज शरीफ साहब ने राहदारियों में सजा के रख दिए लेबल्स के साथ कि मुझे ये तोहफे मिले हैं, मैं राहदारियों के अंदर रखूंगा ताकि लोग देख सकें कि फलां मुल्क के सरबराह ने क्या चीज मुझे दी है। और इधर एक एक पाई के लिए इन्होंने ये पूरा करप्शन का एक निजाम वजा किया। वो ग्राफ का सेट अगर आप देखें येलो डायमंड वाला, वो खसूसी तौर पे तैयार करता है और वो आप ऑनलाइन भी नहीं खरीद सकते, वो खरीदा नहीं जा सकता, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ग्राफ के स्टोर पे। आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, ग्राफ का स्टोर आपको अपॉइंटमेंट देता है कि फलां तारीख को इतने बजे आप आएंगे तो तब आपको कीमत तय की जाएगी। कीमतें लगी नहीं होती इसके ऊपर क्योंकि ये नायाब चीजें हैं। ये जो येलो डायमंड है ये एक इंतहाई नायाब चीज है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि आप अपने ओहदे का इस तरह इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, मिसयूज ऑफ ऑफिस है, आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और इतनी करप्शन की कि ये अरबों रुपए में जाती है। आपने जो सिर्फ तहाइफ बेचे हैं वो 15 से 20 अरब के आप सिर्फ तहाइफ बेच गए हैं। आपको कुल तहाइफ तकरीबन 200 जो वसूल हुए थे, आपने आदत बना ली कि उन तहाइफ को, और ये देखिए ना एक तोहफा आया है, बुशरा मानिका साहिबा उसको दबोच लेती थी लालच के साथ कि ये किसी और को नजर ना आ जाए, कोई इसको देख ना ले, किसी और के हाथ ना लग जाए, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू कम लगवा के औने पौने उसको खरीद लेती थी और बाद में ब्लैक मार्केट में उसका सौदा किया जाता था। यानी आप ने इस कौम का, इस मुल्क का मजाक बना दिया, आपने पूरे निजाम का मजाक बना दिया कि आप अरबों रुपए के तहाइफ मजाक मजाक में ही बेच गए। इस मुल्क में इतनी करप्शन किसी हुक्मरान ने, किसी वजीर आजम ने नहीं की जितनी इमरान नियाजी ने की है और बेदर्दी के साथ की है और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत की है। आप असासे देखें ना, आप 2018 से पहले के असासे देखें और 2018 के बाद के असासे देखें, तो कब्जा ग्रुप था पूरा, पूरा माफिया था। अलीमा खान साहब आए वो कब्जे करवा रही हैं उधर भक्कर में, आप जानते हैं, उज़्मा खान साहिबा कब्जे करवा रही हैं, कई सौ कनाल जमीन हथियाई जा रही है और आपकी बेगम साहिबा हैं वो घड़ियां बेचती जा रही हैं। यानी पहले आपने साइफर लहराया और पूरी कौम को गुमराह किया। आपने कहा जी मेरी हुकूमत अमरीका ने गिराई, नहीं बाजवा ने गिराई, नहीं मोहसिन नकवी ने गिराई, नहीं मैंने खुद गिराई। यानी कोई एक बात पर खड़े तो हों, और साइफर के अंदर कोई थ्रेट नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, किसी ने नहीं कहा था कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। कभी ऐसा होता है कि आपके सफीर को बुला के, ये कोई गली मोहल्ले के बदमाश है कि आपके सफीर को बुला के अगला कह रहा है हम तुम्हारी हुकूमत खत्म कर रहे हैं। यानी कोई अकलमंदी से काम लें और अपने सियासी मकासद को फरोग देने के लिए आपने वो साइफर लहराया, पब्लिकली लहराया और कहा कि जी अमरीकी साजिश हो गई है। और वो साइफर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन थी, आपने सियाको सबाक से हटके उसको पेश किया, आपकी ऑडियो मौजूद है, आपने कहा हमने साइफर से खेलना है। कोई भी शख्स कौमी सलामती से खेले, पाकिस्तान के बैनुल अक्वामी सतह पे ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करे तो क्या उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए?